तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल मैकेनिक्स। और आज हम स्टैटिकल मैकेनिक्स में नेट दिसंबर 2016 का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए टू लेवल सिस्टम गवर्न बाय द हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू दिस। ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको टू लेवल सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन दिया गया है एच, और आपको इस हैमिल्टोनियन के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, आइए अब अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फ्रेंड्स, आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल जी को यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहां पर पोटेंशियल जी को जाकर सब्सक्राइब करना है। तो क्या करना है आपको, पोटेंशियल जी को जाकर फाइंड करना है और देन सर्च करना है, और उसके बाद आपको यहां पे सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड, ये था। अब हम इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम लिख लेते हैं गिवन डैट। तो गिवन डायग्राम लिख लेते हैं टू लेवल सिस्टम के लिए जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो है हमारे पास H इज इक्वल टू गामा माइनस का डेल्टा माइनस का डेल्टा माइनस का गामा। अब हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे लिख लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। और फ्रेंड, यहां पे हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं गामा माइनस का लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा, और आप यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा, और फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का गामा माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास है जीरो। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रेंड, ये हमारे पास आ जाएगा गामा माइनस का लैम्डा, ये होगा हमारे पास माइनस का गामा माइनस का लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो यहां से आप देखिए माइनस का साइन आप यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस, यहां से आपने माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा माइनस के गामा, ये हो जाएगा आपका गामा प्लस का लैम्डा माइनस का डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर माइनस का डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सही है फ्रेंड्स। अब यहां से आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहां से इक्वेशन निकल कर आ गई है दिस, और इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेता हूं। ये हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस का, ये हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, लैम्डा वन ये मेरे पास आ जाएगा प्लस, आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं प्लस का डेल्टा स्क्वायर। इसी तरीके से यहां से मेरे पास लैम्डा टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये हमारे पास है अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यू आ गई है। अब फ्रेंड, जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो पार्टीशन फंक्शन होता है फॉर टू लेवल सिस्टम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टीशन फंक्शन फॉर टू लेवल सिस्टम। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा समीशन, यहां पे आप लिखेंगे आई ई की पावर माइनस के, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा आई। अब फ्रेंड, इसको मैं यहाँ पे इवन ही मान लेता हूं, क्योंकि आपको पता है हैमिल्टोनियन क्या देता है, एनर्जी आइगन वैल्यू देता है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के बीटा, ये हमारे पास हो जाएगा इवन, और आप यहां पे लिखेंगे प्लस ई की पावर माइनस के बीटा, ये हो जाएगा हमारे पास ए टू। तो आप यहां पे नेक्स्ट पेज में इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के बीटा ई वन प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई टू। तो यहां से जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस, ये हमारे पास है बीटा। अब ई वन की वैल्यू क्या है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ई वन की वैल्यू मेरे पास प्लस अंडर रूट, तो ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट या गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और प्लस यहां पे हमारे पास है माइनस। अब देखिए इसकी वैल्यू प्लस में माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर।
सिंपल। तो यहां तक हमने इसको इस तरीके से निपटा दिया, ये अच्छी बात है। अब यहां पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हम इसको यहां पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैंने क्या करा, इसको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और फ्रेंड्स अब मैंने यहां पे इसको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास cos हाइपरबोलिक x होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो z इज इक्वल टू यह आपके पास बन जाएगा cos हाइपरबोलिक बीटा अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर, और ये 2 आपका आगे आ जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 2 cos हाइपरबोलिक बीटा अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है इसमें हमारा साइन आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये नहीं हो सकता। इसमें हमारे पास कॉस आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर करेक्ट है। इसमें आपके पास दोनों आ रहे हैं साइन, और ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन 2। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि हमारा जो ऑप्शन 2 है वो कैसा है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेसन, आज की हमारी वीडियो। अगर ये आपको समझ में आया हो आज का क्वेश्चन, तो इसको लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो उसको डिसलाइक करना, वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।